गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ई सरल। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ सेशन में, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, आपने सही सुना है, आई एम हैविंग अ रियली वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेचर पोर्शन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो मुझे पूरे अच्छे से पता है कि यू विल लाइक इट लाइक एनीथिंग एल्स। ओके, सो हेलो ओम प्रकाश, हेलो धर्म, हेलो खुशबू, यस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर द सरप्राइज? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ सरप्राइज के लिए रेडी हो। ओम प्रकाश, हाउ डिड यू गेट इट? आपको कैसे पता चला? हाँ, आपने मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया, बट दैट्स फाइन। सो आई वुड लाइक टू वेलकम नन ऑफ द अबव, सारांश सर, योर फेवरेट फिजिक्स गुरु। ओके, सो हियर वी गो सर। थैंक यू मैम। कैसे हो बच्चों? यार आज इंग्लिश का तुम्हारा यार गजब की प्री बोर्ड सीरीज चल रही है। एक तो मैं 9th-10th टीम को लिटरली, मतलब सबसे पहले तो यार अप्रिशिएट करूंगा इसमें कि यार प्री बोर्ड सीरीज तुम लोगों के लिए लेके आया यार, जिसमें रोज तुमको यार एक चैप्टर मिल रहा है। तो भाई अभी बोर्ड की टेंशन किस किस को चल रही है, मतलब किस किस के अभी से खाना उतरना कम हो गया कि यार सर बोर्ड आ गया, वो है ना, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। वैसे वैसे यहाँ उल्टा हो गया, घर वाले बोलते बेटा पढ़ ले वरना बोर्ड में नंबर खराब आ जाएंगे। और 10th बोर्ड मतलब भाई पहला ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम जब कोई और स्कूल के बाहर नंबर वंबर दे रहा होगा, खतरनाक। कैसे हो भाई सब लोग, पहले फटाफट से बता दो। एकदम फुल ऑन जोश में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ में यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब प्री बोर्ड तक की ध्यान रख रहे हैं, मतलब बोर्ड में तो पढ़ाएंगे इसे पूरा का पूरा, तुम्हारे साथ पूरा एकदम रिवीजन करा के एग्जाम के दिन तक भी रिवीजन करा के भेजेंगे। बिल्कुल सर, सुबह तक पूरा अपन रिवीजन करवाकर ही स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि कुछ कमी ना रह जाए, एंड मोमेंट तक पूरा रिवीजन हो जाता है स्टूडेंट्स। बिल्कुल, तो यार बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग भी यार काबिले तारीफ काम कर रहे हो, एकदम बिल्कुल बैठ के सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। ये खेलने का टाइम है काफी सारे बच्चों का, लेकिन फिर भी अब क्योंकि अब एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट हो गई है, रोज आकर बैठ के पढ़ते हो यार, बहुत बड़ी बात है। तो एक बार खुद के लिए तालियां हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि यार तुम लोग पढ़ाई के प्रति इतने समर्पित हो, प्री बोर्ड में मेहनत करते हो। प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे तो बोर्ड का कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा आएगा, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे मचाते रहो, फोड़ते रहो। तो यार तुम लोगों के लिए ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया सीरीजेस लेके आते रहेंगे एज यूजुअल। ई सरल हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज करता रहता है, मचाता रहता है, फोड़ता रहता है। और बच्चों तुम लोगों के लिए यार जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं यार, उनके लिए बहुत ही स्पेशल चीज यार, ये अपना जो जेईई नीट 9th-10th का जो एक और चैनल है वहां तो लॉन्च करी थी, यहाँ पर यार तुम लोगों के लिए भाई देखो यार इंडिया में सबसे पहला, लिटरली सबसे पहला और सबसे अफोर्डेबल कोर्स इसरल लेके आया था जेईई नीट के फील्ड में, है ना? अब 9th-10th में भी वो चीज चालू हो गई है। तो यार तुम लोगों के लिए जो नई चीज अपन लेके आए हैं, पढ़ो इंडिया 2.0 इज बैक नाउ। पढ़ो इंडिया के लिए यार इतना प्यार तुम लोगों ने दिया ना, 1.0 बंद करना पड़ा था, इतने बच्चे आ गए थे संभल नहीं रहे थे, बंद करा। अब 2.0 वापस बच्चों आपके लिए लेकर आ गए हैं, एंड दैट टू ओनली एट 999, मतलब यार 1000 रुपए से भी कम है। और इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पूरी साइंस है, फिर मैथमेटिक्स, फिर सोशल स्टडी, फिर इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे यार इसमें कवर्ड है। और देखो एक महीने की फीस नहीं है ये तुम्हारा जो सेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक है ना तब तक की ये फीस है। तो इंग्लिश वाली मैम बोल रही सर मतलब इंग्लिश तो कितना 200 रुपए का पड़ा मुश्किल से भी सर यहाँ पर। और सर इतना तो हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में इससे ज्यादा ही उड़ा करके आते हैं, खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों इसकी ये है, देखो यार जो रिजल्ट बच्चों के आए ना यार, इंडिया का हिस्टोरिक रिजल्ट, मतलब जनरली स्कूल में क्या होता है यार, कितने 95% आते हैं, 2-3 100 के बैच में से 4-5-6 आ जाएंगे, ज्यादा 90% कितने 10 के आ जाएंगे। अपना यार रेशियो इंडिया का हाईएस्ट है
हर चार में से एक बच्चा 95% के ऊपर लेके आया। आप तुमको भी यही ठाननी है इस बार, 95% के ऊपर लेके आनी है, लेके आनी है, लेके आनी है, चाहे यार वो आदर्श हो 98.8%, 98.6, 98.4, 97.8, 97.6, भाई। और हर दो में से एक बच्चा 90% के ऊपर लेके आया है। सर 90+ वाले तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। और एक पेज में जितने आते हैं उतने डिस्प्ले कर पाए थे बच्चों। तो यार इतने जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, इतने जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है यार इंडिया के बेस्ट वीडियो लेक्चर, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट, पूरे सिस्टम के साथ में। अब तुम लोगों को चूकना नहीं है, देखो किसी को भी, किसी को भी चूकना नहीं है। देखो अब प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड में कुछ टाइम बचा है, काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम, मेरा तो ये छूटा हुआ है, मेरा तो ये स्ट्रांग नहीं है, मैं कहाँ से कवर करूँ, कैसे कवर करूँ। तो यार अब तुमको चिंता करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। पोडो इंडिया 2.0 इज देयर फॉर यू। हम डेडिकेटेड वीडियो बच्चों आज कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों के लिए लाने के लिए इसी चैनल पे, पूरी डिटेल्स उसमें हम लेके आ जाएंगे, है ना। और ये बच्चे ऐसे ही नहीं, मतलब जिनको इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने का क्रेज है, जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, यार उन्होंने टेंथ के साथ में मतलब NTSC फोड़ा, KUPI फोड़ा, IIT बॉम्बे इनोवेशन चैलेंज करके कॉन्टेस्ट होता है, AR1 आई उसमें आयुष की, अपना बच्चा है क्लास 10 से ही, और अभी फाइनली IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, ये JEE क्रैक मारी है। तो यार अब फोड़ना है, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल स्टडी, इंग्लिश, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ओलंपियाड का मटीरियल भी इसमें शामिल करा गया है बच्चों। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब यार इन लेक्चर्स को बनने में इतने साल लगे ना, मुझे एक साल लग गया पूरी फिजिक्स बनाने में, इतना इसमें एनिमेशन, इंडिया के बेस्ट एनिमेशन लेक्चर्स हैं ये, ऐसे लेक्चर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, और वो भी इस अफोर्डेबल प्राइस में। 999 यार नथिंग, इस फ्री के बराबर ये लगभग लगभग है। ये क्यों करा, ताकि यार भारत का हर बच्चा इंडिया के बेस्ट मटेरियल से पढ़े। एंड सर सोशल साइंस के विजुअलाइजेशन वीडियोस, मतलब यू कांट इमेजिन कि सोशल साइंस आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग बन सकती है कि आप उसको ही पढ़ते जाओगे, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा विजुअलाइजेशन के साथ में। सर सोशल साइंस देखो, तुम यार जिस तरह से वीडियो लेक्चर पढ़ोगे ना बच्चों, पूरा विजुअलाइज करके एक एक चीज, एक एक चैप्टर, एक एक सब टॉपिक में बांटा हुआ है। सालों साल लग गए इन वीडियो लेक्चर्स को इस तरीके से बनाने में, है ना। फिर चाहे सोशल स्टडी की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, सोशल स्टडी में यार रटना इतना पड़ता है, अंग्रेजी में इतना रटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पूरे विजुअलाइजेशन से आपके टीचर ने, है ना, ऐसे पढ़ा दिया ना सोशल स्टडीज भी, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश की अगर हम बात करें बच्चों, देखो एक एक चैप्टर तुमको जो है ना पूरा का पूरा, हर उसमें जैसे देखो इंग्लिश की बात करें तो ये मैं भी क्या, लेटर टू गॉड, है ना, जो जिसका आज प्री बोर्ड का वो तो ये भी विजुअलाइजेशन के साथ में, कि जैसे स्टोरी आपको एक हम मूवी देखने जाते हैं तो हम ये सोचकर नहीं जाते हैं कि हम उसे याद रखेंगे। तो ऐसा ही होगा कि आपको ऐसा माइंड में प्रेशर नहीं लेना है कि ये चैप्टर हमें याद करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाना है इस विजुअलाइजेशन के साथ में अगर आप इसको देखने वाले हैं तो। मैम कितना बढ़िया बनाया, मतलब जब हम इंग्लिश पढ़ते थे इसमें तो भाई हमको तो यार ऐसे रटा दिया जाता था कि यार भाई तुम ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर ले, क्वेश्चन आंसर में कर लो। लेकिन अब भाई सिचुएशन चेंज हो चुकी है, पूरे विजुलाइजेशन के साथ में एक एक चैप्टर तुम्हारे पास है। और बच्चों नॉट ओनली इन इंग्लिश, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसमें आप देखोगे फिजिक्स में भी भाई एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर जो है पूरा विजुलाइज करके, चाहे वो लाइट हो, उसके देखो सारे सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये कोई सा भी अपन ओपन कर सकते हैं। ह्यूमन आई हो, अब ह्यूमन आई अपन पढ़ते हैं, ह्यूमन आई में यार रट लेते हैं हम कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ इसकी, लेकिन अब देखो पूरा विजुलाइजेशन, जब तुम ह्यूमन आई पढ़ोगे ना तो देखो हमने पूरे विजुलाइजेशन के साथ में एक एक चीज़ कैसे विजुलाइज होगी, क्या होगी, ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, सारी चीज़ें पूरी एक एक विजुलाइज करा के देखो। ये पूरी आई का डायग्राम आ रहा है, एक एक चीज बच्चों आप विजुलाइज कर लो। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों की बैंड बजी होती है, पोटेंशियल क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आता, रट्टा मार लेते हैं, 3 नंबर की इक्वेशन आ गई, वो आ गई, वो सॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे होता है, ये देखो ये बैटरी क्या होती है, ये पूरे एनिमेशन के साथ में तुमको एक एक लेक्चर पढ़ाया गया है बच्चों। मेरे को ये 5 चैप्टर बनाने हैं बच्चों, मेरी जिंदगी का पूरा एक साल लग गया, पूरा एक साल आप इमेजिन कर सकते हो। मैम अभी वो प्रतीक सर बोल रहे थे ना, सर गूगल में एक साल देते तो शायद 4.5 करोड़ रुपए आपकी सैलरी जाती वहां पर। बच्चों एक एक वीडियो बनाने में इतना समय लगा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैं सिर्फ फिजिक्स की नहीं,
मैम अगर अपन इसमें बायोलॉजी की बात करें, एसएसटी की बात करें, मतलब बायोलॉजी में विजुलाइजेशन है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, एसएसटी में एक एक लेक्चर जब अपन देखेंगे खोल के, एसएसटी में जितने भी देखो ये सारे एसएसटी के लेक्चर विजुलाइजेशन के साथ में पढ़ाए जा रहे हैं पूरे के पूरे, पीछे पूरा विजुलाइजेशन चल रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। तो यार अब पढ़ाई का तरीका बदल चुका है बच्चों, अब रटने की जरूरत नहीं है। बन रहे हैं कि कितने लकी हैं ये स्टूडेंट्स जिनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन वीडियोस मिल रहे हैं। सर रियली अगर हमारे टाइम पर ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो हमारे 98+ ही आता सर। सर आई डोंट नो अबाउट यू बट मेरी तो 95+ नहीं थी। नहीं नहीं मैम, इस तरह से अगर पढ़ाई करी जाती ना, मतलब तो लिटरली अलग लेवल पे, मतलब आज जैसे मूवीज देखते हैं अपन उसका सब कुछ याद रहता है, वैसे यार ये वीडियोस भी इस तरह से बनाएगा। सोशल स्टडी में डेट रटते रटते पागल हो जाते हैं, क्या हुआ समझ में नहीं आता, एक एक चीज इसमें जो है बच्चा देखो विजुलाइज करके, पूरा मैप है ये, उसको कैसे नंबर याद रहेंगे जब वो विजुलाइज करके पढ़ेगा ना। सर अपने ई सैटेलाइट के कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एसएसटी के वीडियोस देखने के बाद ये फीडबैक दिया कि उनको मतलब उनका फील्ड ही उन्होंने चेंज कर दिया कि यार हम लोग जो है एसएसटी को अडॉप्ट करके देखते हैं, एसएसटी भी हम लोग ले सकते हैं और इसमें भी स्कोप हो सकता है। तो काइंड ऑफ दैट वर्सेटाइल एंड एक्सपेंडेशन है इन वीडियोज में कि आपको याद करने की बिल्कुल नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मूवी की तरह आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेगा। मतलब वो टॉपिक अगर आप आगे कभी सुनोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ यार वो विजुलाइजेशन उस वीडियो में हमने देखा था। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो यार मैम ने जो सारी चीज बताई ना एक बिल्कुल वही चीज है भाई। आप कुछ भी सारी चीज इसमें देखो, आप विजुअलाइजेशन देखो, आप कुछ भी चीज है यहाँ पर, जैसे अपन एनीथिंग, जैसे विजुअलाइजेशन देखा बच्चों आपने, फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास में सारा कोटा से बेस्ट स्टडी मटेरियल, और सबसे बड़ी बात आप यार IIT एंड डॉक्टर टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं पूरे देश भर में क्लास टेंथ में जिनको इतनी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, SST हो, इंग्लिश हो, साइंस मैथ्स हो, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। यार ये बच्चों सिर्फ आपके लिए करा है, वी हैव स्पेंड करोड़ एंड करोड़ इन दिस, सीरियसली बता रहा हूँ, वो भी बिना फंडिंग के, इकलौता प्लेटफॉर्म बचा इंडिया में बिना फंडिंग का ई सरल, और यार उसके बावजूद भी सिर्फ 999 में इसलिए लॉन्च करा है ये सारा कंटेंट, ताकि यार हर बच्चे को जो उसका क्वालिटी का अधिकार है ना वो उसको मिले। दैट्स इट, सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सारे चैप्टर की PDFs ऐप पर मिलेंगे आपको, है ना, और PYQs मिलेंगे, सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कंपटीशन की एक्सरसाइज अवेलेबल है इसमें, मतलब आप लेवल वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बोर्ड के लिए चाहिए बोर्ड की चीज़ अवेलेबल है, कॉम्पिटिशन के लिए कॉम्पिटिशन की अवेलेबल है, फिर टेस्ट अवेलेबल है इसमें, मतलब आप पूरी तैयारी कर सकते हो, रिविजन के लिए चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है माइंड मैप्स के फॉर्मेट में जो टॉपर्स यूज करते हैं जिसको, फिर आपकी गाइडेंस के लिए सारथी सेशंस इसमें होंगे इस 999 में ही, और ये पूरे साल भर की फीस है ये, जब तक आपका भी एग्जाम नहीं हो रहा 23 में, ठीक है ना। फिर आपके पास में डाउट सॉल्व कैसे होंगे सर, इसरल दोस्त आपके साथ में है, डाउट सॉल्विंग टूल इसरल का जो है उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो, तो एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर यू बच्चा, जस्ट आपको अब 95% की ठाननी है, अगर आपने नहीं ठानी तो यार फिर आएगी भी नहीं, आपको ठाननी है और करके दिखाना है। तो ये अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, लिमिटेड बच्चों के लिए रखा है ये, क्योंकि यार बहुत रिसोर्सेज जाते हैं इसमें, उसके बाद इसकी रेट्स बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है, और आपको बस अपने टीचर्स की कहना मानते हुए पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। तो यार आज मुझे आपको ये बात बतानी थी, आपसे बातें भी करनी थी, काफ़ी सारे बच्चों की चैट आ रही है, ठीक है ना। तो यार बच्चों मिलके मचाएंगे, और इस सरल आपके लिए यार देखो जब से 9th-10th का चैनल चालू हुआ है आपके लिए इतनी इतनी सारी इतनी इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसकी कोई होड़ ही नहीं है, पूरी एकेडमिक साथी है, मोटिवेशन स्ट्रेटेजी एवरीथिंग फॉर यू, और अब तो ये सारे रिसोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री हैं। 999 में क्या आता है मैम, एक बार फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं खत्म हो जाते हैं, इसमें तो 95% मिल रही है, हर इसरलाइट मतलब हर चौथे में से एक इसरलाइट 95% आ रहा है, 25% गारंटी तो यही हो गई, 50% गारंटी होगी 90% की, जब तक तुम एकदम नालायकी नहीं कर लो यार, है ना। तो सारे रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं, बस अब तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो अब मचाते हैं फोड़ते हैं, पर मैम थैंक यू सो मच। नो सर, थैंक यू टू यू कि बच्चों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद आकर के दी है। बेटा ये बहुत बड़ी बात होती कि किसी कंपनी के डायरेक्टर्स किसी लाइफ में आकर के खुद आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे और किसी कोर्स के बारे में बता रहे। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लाइक मेनी थिंग्स। देखो मैम मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, पहले मैं टीचर हूँ। मैम ने बिल्कुल सही बात बोली, देखो बहुत शेड्यूल टाइट चल रहा होता है बच्चों, बहुत सारी चीज़ चल रही है आपके लिए, इतनी सारी चीज़ें लाइन में आ रही हैं,
लेकिन यार आपसे बात करके आज मतलब जो मज़ा आया ना, लिटरली बता रहा हूँ बच्चों। और ऐसे ही पढ़ते रहो, टीचर्स आपके यार, आयुषी मैम, कशिश मैम, विशाल सर, प्रवीण सर, सब लोग यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एक एक मेंटर जो इसराइल के बच्चों के पास है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम आपके साथ में लगी हुई है बच्चों की, बस आप अपनी जो है एक कीर्तिमान स्थापित कर दो क्लास टेंथ में। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लाइक प्रेशियस टाइम। ओके सो स्टूडेंट्स, यस बहुत सारी बातें, यस एकदम सर तो बिल्कुल मस्त हैं। चलो अब इंग्लिश में थोड़ा सा कमाल धमाल करते हैं हम लोग। सो यस विवेक, अर्पित सर क्या पूछ रहे हैं विवेक आप? यस बेटा, लेक्चर विंडोज पर आपको सर के लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं एंड IITian फैकल्टीज, डॉक्टर फैकल्टीज, बेटा आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी मिल सकता है। सो चलिए हम आज हम करने वाले हैं आपकी फुटबिट विदाउट फीट जो बुक है, फुटबिट विदाउट फीट के लास्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो रेडी टू रॉक, इज एवरीबडी रेडी टू रॉक? एंड यार वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, यार बहुत ही गलत बात है ये। बिल्कुल अर्पित नमस्ते, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है विवेक, सो हैव यू चेक्ड आउट द ई सरल ऐप? आपने वहां पर केमिस्ट्री के वीडियोस देखे हैं? विवेक इफ यू हैवंट सीन द वीडियोस ऑफ ई सरल, ठीक है, तो आपको पक्के से ई सरल की ऐप पर केमिस्ट्री के जो वीडियोस हैं उनको देखना चाहिए, देन आई एम वेरी श्योर कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो नहीं बचेंगे। ऑल राइट चलो रेडी टू रॉक, यस हेलो अंजू, हेलो मिस्टर मूड, बेटा क्या नाम रखा है आपने। एनीवेज तो फर्स्ट चैप्टर है फुटबिट विदाउट फीट, तो हमारी बुक का नेम भी यही है और हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर्स आज हम कर रहे हैं उनमें से फर्स्ट चैप्टर ये है। वैसे ये आपका 5th नंबर का चैप्टर है बुक के अंदर। ओके सो ग्रिफिन एंड एसेंट्रिक साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, दिस कुड मेक अ नेकेड मैन इनविजिबल, ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय हिज लैंडलॉर्ड। सो ग्रिफिन जो है यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक रेयर ड्रग को डिस्कवर किया था और उस रेयर ड्रग को लेकर के कोई भी इंसान इनविजिबल हो सकता था। अच्छा मिस्टर इंडिया मूवी देखी क्या आप लोगों ने? मिस्टर इंडिया मूवी में भी ऐसा ही कुछ होता है कि उसमें वो वॉच पहन लेता है और उस वॉच को पहन करके जैसे ही वो प्रेस करता है वो गायब हो जाता है, तो ऐसे ही काइंड ऑफ थिंग थी कि उसने ऐसा ड्रग बनाया कि उसको लेकर के वो इनविजिबल हो सकता था। राइट, ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम वन डे, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, देन ही ड्रैंक हिज रेयर ड्रग एंड पुट ऑफ हिज क्लोथ। सो अब उसने क्या करा, वो अपने लैंडलॉर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था तो उसने उससे रिवेंज लेने की सोची किसी बात पर। सो उसने घर में आग लगा दी और उसके बाद वो ड्रग पिया और वहाँ अपने कपड़े सारे उतार दिए और वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। ओके ओके अभिषेक, आपका नाम अभिषेक है, दैट्स गुड, यस अनिल कपूर वाली, एग्जैक्टली अर्पित, मिस्टर इंडिया मूवी। नाउ ही कुड सी एवरीवन बट नन कुड सी हिम, ही वॉज सेफ फ्रॉम बीइंग कॉट बट ही वॉज विदाउट क्लोथ एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। सो अब वो सबको देख सकता था लेकिन कोई भी इंसान उसको नहीं देख सकता था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वो विदाउट क्लोथ्स था, मतलब विदाउट क्लोथ्स ही केवल वो रेयर ड्रग जो था वो काम कर सकता था, क्लोथ्स अगर आपने पहने तो आप इनविजिबल नहीं होंगे। ओके ही पास्ड द नाइट इन अ लंडन स्टोर, ही स्टोल गुड्स एंड मनी फ्रॉम द स्टोर, देन ही वेंट टू अ विलेज कॉल्ड आइपिंग, ही स्टेड एट एन इन। सो अब उसने एक रात जो है लंदन में निकाली एंड उसने कुछ सामान और कुछ पैसे जो है स्टोर से चोरी करे, देन वो एक विलेज में गया जिसका नाम आइपिंग था। ओके
एंड वो वहाँ पर एक जगह पर रुका. ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्गी मैन्स डेस्क. अ पुलिसमैन नेम जेफर्स वॉज कॉल. अ स्ट्रेंज फाइट टुक प्लेस. ग्रिफिन टुक ऑफ हिज बैंडेजेस, हिज ग्लासेस एंड हिज हेड. सो वो इस तरीके का अटायर लेकर के और पहन करके घूम रहा था, केवल उसके कपड़े कपड़े दिख रहे थे. तो एक पुलिसमैन को बुलाया गया और स्ट्रेंज फाइट टुक प्लेस. मतलब स्ट्रेंज फाइट कैसे हुई, क्योंकि वो तो इनविजिबल था और जो दूसरा पुलिसमैन था वो विजिबल था. दोनों में स्ट्रेंज फाइट हो रही थी, अजीब सी लड़ाई जिसमें एक तो गायब है और एक दिख रहा है. और जो ग्रिफिन था उसने अपने सारे बैंडेजेस को उतार दिए, सारे ग्लासेस और उसकी हैट जो है वो सब उतार दिया, तो वो फिर से इनविजिबल हो गया था. नाउ ही लुक्ड हेल्पलेस. पीपल वर हॉरिफाइड. ग्रिफिन हिट द पुलिसमैन. ही गॉट फ्री एंड रन अवे. सो जब वो इनविजिबल हो गया तो उसने पुलिसमैन को मारा, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आया कि अब वो कहाँ है, तो दिख भी नहीं रहा था और वो उसको मार करके भाग गया. राइट चलो, सो क्या मैसेज मिलता है इस स्टोरी से. ऐसे ही ये हमने थोड़ी सी समरी देखी है स्टोरी की. सो मिसयूज ऑफ साइंस एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज कैन मेक इवन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट अ लॉलेस पर्सन. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं उन साइंस फिक्शंस का, उन साइंस चीज़ों का, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी जो क्या बन सकता है, लॉलेस पर्सन बन सकता है. राइट. दिस डिस्कवरी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज. सो ये जो डिस्कवरीज हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली कुछ प्रॉफिट दिख रहे हो और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं. राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर. नाउ विल सी द सेकेंड चैप्टर. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. ओके, सो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ यंग स्टूडेंट हु डिड मार्वलस वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस. सो एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी है जिसने साइंस के फील्ड में बहुत ही मार्वलस वर्क किया. रिचर्ड ई ब्राइट उस बच्चे का नाम था. अ सॉलिटरी चाइल्ड हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर कैचिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड. Encouraged by his mother, he kept on enriching his treasures of rocks, fossils, coins and butterflies. So can you imagine कि एक 7 साल का बच्चा butterflies को catch करके और उनको tag करके रखता था. ठीक है. So hello, hello Mr. Aim Neat, my Aim Neat. Okay. So एक बच्चा था रिचर्ड ई ब्राइट, जिसको बचपन से ही ऐसे कुछ अलग हॉबीज थी, लाइक बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, फॉसिल्स कलेक्ट करना, और इन सब में उसकी मदर ने उसको हमेशा मोटिवेटेड रखा, इंस्पायर किया और हमेशा उसको सपोर्ट किया, और वो इसी डायरेक्शन में उसको आगे आउटलुक देती गई. ठीक है. ही वॉज एबल टू कलेक्ट ऑल 25 वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड द स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग एंड टैगिंग द बटरफ्लाइज. सो उसने जो है वो सारी 25 वेराइटीज की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो उन जो बटरफ्लाइज थी उनको कलेक्ट करने का इंटरेस्ट खोने लगा और उनको टैग करने का इंटरेस्ट भी वो खोने लगा. बट विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर उर्कहार्ट ही स्टार्टेड डूइंग मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बटरफ्लाइज. लेकिन किसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद, डॉक्टर उर्कहार्ट के गाइडेंस में आने के बाद उसने एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करा. किसके ऊपर? बटरफ्लाइज के ऊपर. दिस एंथसिस हिम टू ओपन न्यू ईयर विस्तार ऑफ साइंस एंड एनकरेज हिम एज ही वॉज गेटिंग अवार्ड्स वन आफ्टर द अदर फॉर हिज डिस्कवरीज. और फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और उसके डिस्कवरीज के लिए उसको बैक टू बैक बहुत सारे अवार्ड्स मिले और साइंस की दुनिया में वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बन गया. ठीक है. देन ही वॉज लकी इनफ टू गेट अ चांस टू स्टडी डीएनए एंड ही गेव अ न्यू थ्योरी अबाउट द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स. उसके बाद में उसको डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स करने का चांस मिला. देन उसके ऊपर उसने एक नई थ्योरी दी फंक्शंस ऑफ सेल्स के ऊपर. हिज चाइल्डहुड इंटरेस्ट लेड हिम टू बिकम अ फुल टाइम साइंटिस्ट. ही वॉज एन एक्सीलेंट डिबेटर, स्पीकर एंड वंडरफुल फोटोग्राफर टू. सो एक अच्छा साइंटिस्ट होने के साथ साथ में
वो क्या था, एक अच्छा डिबेटर था, एक अच्छा स्पीकर था एंड वंडरफुल फोटोग्राफर भी था. ओके, सो आपको वर्सेटाइल हॉबीज आपकी होनी चाहिए. वर्सेटाइल आप में अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आपका एक्सीलेंस होना चाहिए, राइट. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. नाउ विल सी द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, दैट इज द नेकलेस. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एलॉन भारद्वाज, ओके एलॉन मस्क. सो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट फाइंडिंग इट. प्लीज लाइक द वीडियो यार. लाइक द वीडियो बच्चा पार्टी. आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. सो मटिल्डा वॉज अ प्रिटी लेडी बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क. शी सफर्ड अ लॉट ऑफ मिजरी एज शी फेल्ट दैट शी हैड बीन बॉर्न फॉर बेटर थिंग. सो मटिल्डा थी एक प्रिटी लेडी जो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुई थी और उसकी शादी क्लर्क से हुई थी और उसने बहुत दुख जो हैं सफ़र किए थे अपनी लाइफ में और उसको लगता था कि वो उससे बेटर थिंग्स. She had been born for better things. मतलब वो अच्छी चीज़ों के लिए born हुई है. Only she would be daydreaming of luxurious house, dainty dinners, elegant dresses and beautiful jewelry. One day her husband came home very happy. So अब क्लर्क से शादी हुई थी तो मिडिल क्लास सारी लाइफ स्टाइल थी, लेकिन वो हमेशा ड्रीम करती थी एक लग्जीरियस हाउस की और स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल की, ड्रेसिंग सुंदर सुंदर ड्रेसेस की और बहुत सारे लोगों के साथ में उसका डिनर हो ऐसे, मतलब काफ़ी अच्छा. माय नेम इज बेटा आयुषी. ओके आई एम आयुषी, मेरा शुभ नाम आयुषी है. ओके विवेक, चलो. सो एक दिन उसके हस्बैंड जो है घर पे बहुत ज़्यादा खुशी घर आते हैं. He had an invitation to a ball. Ball क्या है? It's kind of party. Ball parties होती है ना rich people की. So उसके पास invitation था एक ball party का for both of them from the Minister of Public Instruction. He thought his wife would be happy, but she only got angry and threw the invitation card on the table. So अब उसका husband जो है लेकर के आया, भाई invitation से खुश होगी, लेकिन वो गुस्से में उसने invitation card भी फेंक दिया. वाइफ है, कुछ भी कर सकती है, राइट. यस थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट अर्पित. सो वाइफ तो कुछ भी कर सकती है, नेवर नो, आप किसी एक औरत का नेचर कभी समझ नहीं सकते हैं. सो उसने गुस्से में इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया. ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई शी रिएक्टेड इन सच अ मैनर, शी रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट हैव द प्रॉपर ड्रेस For the party, her loving husband gave her all the money he had set aside to buy a gun. देखो कितना humble प्यारा पति था उसका. उसने पूछा कि भाई तुमने गुस्सा क्यों किया, तो उसने बोला मेरे पास जो है beautiful सी dress नहीं है, attire नहीं है उस party में पहनने के लिए. तो उसको guns का बहुत ज़्यादा शौक था उसके husband को, Matilda के husband को. तो उसने क्या करा, अपने गन के लिए जो पैसे सेव किए थे वो सारे पैसे मटिल्डा को दे दिए और बोले कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय फ्रॉम दीज मनी. वेन द ड्रेस वॉज रेडी मटिल्डाज हस्बैंड सॉ दैट स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी. ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन शी सेड दैट शी हैड नो ज्वेल्स. अब उसकी ड्रेस बन गई तब भी वो खुश नहीं थी, तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों दुखी हो. तो वो बोलती है कि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, अब क्या करें. एक एक्सपेक्टेड हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू वेयर फ्रेश फ्लावर्स. व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू डू सो इन डेस्परेशन ही टोल्ड हर टू बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर डियर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर. ठीक है, अब उसके हस्बैंड उसको थोड़े सजेशन देते कि तुम नेचुरल फ्लावर्स के ज्वेलरी पहनो यार, इट विल लुक सो गुड. बट वो मना कर देती है. फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम अपनी फ्रेंड से जो है बोरो कर लो ज्वेलरी. तो वो ऐसा ही करती है, उसकी जो फ्रेंड होती है मिसेस फॉरेस्टर वो बहुत रिच होती है, तो वो उससे ज्वेलरी बोरो करने के लिए जाती है. मटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर. शी वॉज ग्रेट हिट एट द पार्टी.
Everyone admired her. She danced till 4 a.m. and then went home tired but happy. So, अब वो ज्वेलरी बोरो कर लेती है, उसके साथ पूरा टायर लेकर के जाती है पार्टी में, बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है, बहुत सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। 4 बजे तक खूब पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, और वो थक जाती है लेकिन हैप्पीली घर पर आती है। ओके, विवेक यादव बेटा, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो एक ही सोल्यूशन है, ई सरल, बिकॉज आपको ई सरल की वीडियोस देखो एक बार आप जा करके, आई एम वेरी श्योर कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ अर्पित, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड व्हाट आई एम हैविंग, ओके। आई नेवर से लाइक दैट कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, बट वन ऑफ द माई फ्रेंड्स, ओके, तो वो हमेशा ऐसे ही करती है कि यार मेरे पास कपड़े नहीं है, और रोती रहती है, होती है, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है, इवन बॉयज आई हैव सीन। अभी हमारे बहुत अच्छे एक मैम, मैं ईसरल में हूँ प्रीमियम कोर्स में, ओके विवेक, सो बेटा अपने मेंटर से एक बार आप बात करो विवेक कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सो पर्टिकुलर फैकल्टी आपके लिए हेल्प करेगी, सो एक बार आप अपने मेंटर से कॉन्टैक्ट करो, ओके विवेक। चलो मार्टेल द, सो ये हमने कर लिया है। ऑन रीचिंग होम शी डिसाइडेड टू टेक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ, शी वॉज टेरिबली शॉक्ड When she found the necklace was missing. अब ऐसी आदत होती है कुछ गर्ल्स की कि पार्टी से आने के बाद भी मिरर में देखना है कि भाई हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो जैसे ही वो मिरर में देखती है खुद को, she was shocked because उसके नेक में वो ज्वेलरी पीस नहीं होता है। नो नो अर्पित, मैं बुरा नहीं मानी हूँ बेटा, मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उनके पास जो होता है उससे। इन केस ऑफ कपड़े, क्लोथ्स को लेकर तो बहुत ज्यादा पजेसिव होती है कुछ गर्ल्स एंड बॉयज। दे लुक्ड एवरीवेयर फॉर इट बट इट वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड। दे वेंट टू द पुलिस एंड ऑल्सो पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द पेपर्स। सो उन्होंने हर जगह उस ज्वेलरी पीस को ढूंढा लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं मिला। देन वो पुलिस के पास गए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में लेकिन उनको कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। In the meantime, they wrote to Madam Forrester that the clasp was broken and also that they would get the necklace repaired and return it. So अब उसने Madam Forrester को बोला और ऐसे बोला कि वो टूट गया है तो हमें उसको वापस से repair करवा करके रिटर्न करूँगी, ओके। उसने ऐसे नहीं बताया कि गुम हो गया, बस ऐसे बोला कि थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो उसको रिपेयर करवा के मैं दे दूँगी। When the necklace was not found, they decided to replace it with a similar necklace. They bought it for 40,000 francs and had to take a loan for it. So जब वो नेकलेस नहीं मिला तो उनको उसी वैसा नेकलेस खरीद करके देना पड़ा और वो 40,000 francs का आया और इसके लिए उस उन दोनों को लोन भी लेना पड़ा, राइट। इन ऑर्डर टू रीपे द लोन दे टुक अ रेंटेड रूम एंड टर्न अवे द मेड। ऑल द हाउस होल्ड वर्क वॉज डन बाय मटिल्डा। मिस्टर लॉजल टुक अप ओवर टाइम वर्क टू सेव मनी। अब उन पैसों को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें रेंटेड हाउस में जाना पड़ा और मटिल्डा को सारे हाउस होल्ड चोर्स खुद से करने पड़े। उसका जो हस्बैंड था वो भी ओवर टाइम काम कर रहा था। सो इस तरीके से उनकी पूरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। दिस लाइफ कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 10 लॉन्ग ईयर्स बाय द एंड ऑफ विच मिसेस लॉजेल लुक्ड ओल्ड एंड स्क्रफी। सो ये जो है पूरे 10 साल तक चला, उसके बाद मिसेस लॉजेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड स्क्रफी, ऐसे जिनके रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं वैसे दिखने लग गई थी। One day she happened to meet Mrs. Forrester who still looked young. Matilda told her the whole story, shocked at the story. Mrs. Forrester told her shocking truth, that is, the diamond necklace that she had lent to Matilda had been made of artificial diamonds
एंड वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रांसिस। अब एक दिन जब मिसेस लॉजेल जो है मिसेस फॉरेस्टर को मिलती है, तो मिसेस फॉरेस्टर को बोलती है कि जो डायमंड नेकलेस, वो पूरी स्टोरी सुनाती है पहले मिसेस लॉजेल मिसेस फॉरेस्टर को, तो वो बहुत शॉक्ड होती है, बोलती है कि अरे वो तो आर्टिफिशियल था, कितने का था, केवल 500 फ्रांसिस का, तुमने क्यों इतना ज़्यादा उसके लिए लोड लिया। तो मिसेस लॉजेल का जो है सर चकराने लग जाता है, ठीक है ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही सही, राइट। इसीलिए कहते हैं ये मैसेज मिलता है इस स्टोरी से क्या, कि जो है उसमें सब्र करना चाहिए, ओके। डू नॉट डिजायर फॉर द थिंग्स दैट यू आर नॉट हैविंग, एंडलेस डिजायर्स नहीं होना चाहिए, बी सैटिस्फाइड इन योर लाइफ। फॉर द नेक्स्ट चैप्टर नाउ भोली, यस नाउ विल सी द भोली चैप्टर, ओके। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये, सो भोली। द स्टोरी ओपन्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ गर्ल नेम्ड सुलेखा। अब इसमें भोली तो उसको बोलते हैं, लेकिन उसका रियल नेम जो है सुलेखा होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको याद होना चाहिए, ओके। शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बींग अ सिंपलटन, बहुत ही सिंपल सी गर्ल थी, इसलिए उसको भोली बोलते थे। दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज ड्यू टू एन इंजुरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, और उसके ब्रेन में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बचपन में गिर गई थी, उसका लग गई थी, तो उसके एक पार्ट में थोड़ा सा डैमेज हो गया था। शी स्टैमर्ड एंड हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस विच शी गॉट व्हेन शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2। शी वॉज द लाफिंग स्टॉक ऑफ एवरी वन, जब वो 2 ईयर्स की थी उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसकी वजह से उसके फेस पर बहुत सारे पॉक मार्क्स थे, और वो स्टैमर करती थी, स्टैमर मतलब बोलने में अटकती थी, हकलाती थी, राइट। हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार, ही हैड 3 sons एंड 4 daughters, भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल। रामलाल वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर एज इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू मैरी हर विदर हैविंग एन अगली फेस एंड अ डम माइंड। सो होता है ना विलेज में कि ऐसे, अब देखो उसकी 4 लड़कियाँ और 3 बेटे थे, सबसे छोटी थी भोली, तो रामलाल जो है उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए हमेशा थोड़ा टेंशन में रहता था, क्योंकि उसके पॉक मार्क्स थे बहुत सारे, और वो स्टैमर भी करती थी, डम माइंड थी, तो उसकी शादी की उसे चिंता लगी रहती थी। One day the tehsildar visited their village to inaugurate a girls' primary school. He persuaded Ramlal to send his daughters to school. अब तहसीलदार जब आता है विलेज में, तो वो बोलता है कि आप जो है अपनी, रामलाल को बोलता है तुम अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगे, तो तहसीलदार की बात को वो टाल नहीं सकता था, इसलिए वो भोली को भी वहाँ पर भेजता है पढ़ने के लिए। मैम डिड यू कैच, यस आई एम हैविंग थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ, व्हाई यू आर फीलिंग फ्रॉम माय वॉइस छवि गुप्ता। अभी वेदर इज चेंजिंग सडनली नो, सो आई कॉट कोल्ड एंड कफ, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। रामलाल's wife suggested to send Bholi to school, although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl. She reasoned that as Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. So रामलाल की wife उसे suggest करती है कि Bholi को school भेजने की क्या जरूरत है, जबकि मतलब वो against थी सारी लड़कियों को school भेजने के, और क्योंकि उसको लगता था कि फिर कोई लड़का उनसे शादी ही नहीं करेगा, ओके। एंड भोली के लिए बोला कि इसे तो वैसे ही कोई शादी नहीं करेगा, तो चलो इसको भोली को भेज दो स्कूल। इन द बिगनिंग भोली वॉज फ्राइटेंड टू लीव हर हाउस, बट व्हेन फॉर फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड हर हेयर वॉज वॉश्ड एंड ऑयल्ड, शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस। सो अब उसके ऊपर क्या, घर पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो
जब उसको स्कूल भेजा गया था फर्स्ट टाइम, उसको अच्छे से ड्रेसअप किया गया, उसके हेयर वॉश किए गए, हेयर में ऑयलिंग की गई, तो उसको लग रहा था कि शायद मैं किसी अच्छी प्लेस पर जा रही हूँ। इन द स्कूल शी मेट अ टीचर हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। सो अब वो स्कूल में एक ऐसी टीचर से मिलती है जो उस भोली से बहुत ज़्यादा काइंड एंड पोलाइट तरीके से ट्रीट करती है, राइट? She encouraged her to study and speak with confidence. This filled hope in Bholi and she began to go to school every day. And जो teacher Bholi को मिली थी उन्होंने उस Bholi को बहुत ज़्यादा motivate किया, inspire किया और बहुत ज़्यादा encourage किया पढ़ाई करने के लिए, तो confidence भी आ गया Bholi में, वो पढ़ने लगी और हर दिन school जाने लगी। Years passed and her village upgraded into a small town with some facilities like cotton mill, a cinema and the primary school being converted into a secondary school. So बहुत सालों के बाद वो विलेज में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इंक्लूड हो गई जैसे कि सिनेमा, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बन गया था, कॉटन मिल एंड एक्सेट्रा। वन डे भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन हु वॉज अ विडोअर बट वॉज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डोरी। They thought it to be the best marriage proposal for their dumb daughter and fixed up her marriage. अब क्या हुआ कि भोली के पेरेंट्स एक दिन डिसाइड करते हैं उसकी शादी करने के लिए, तो वो एक लेम ओल्ड मैन से, लेम ओल्ड मैन मतलब जो लंगड़ा करके चलता था पैर से, और उसका वो विडोअर था, उसके पहली शादी हो चुकी थी एंड वो बहुत ज़्यादा रिच था, उसकी कोई डोरी की डिमांड भी नहीं थी, लेकिन वो भोली से बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी डॉटर के लिए वही सबसे बेस्ट है। ऑन द वेडिंग डे द ब्राइडग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो विद फिल्ड रामला विद जॉय। सो वेडिंग डे के अंदर जो ब्राइडग्रूम था वो बहुत ही ज़्यादा पॉम्प के साथ में, मतलब ऐसे शो के साथ में, ऐसे बाजे बारात के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आए, तो रामलाल जो है खुशी से पागल हो रहा था। द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स एंड डिमांडेड डोरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग हर। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज। सो उस वक्त 5,000 रुपीज बहुत ज़्यादा होते थे। ओके, थैंक यू अर्पित। सो अब जो है उसको पता चल गया कि भोले के फेस पे पॉक मार्क्स है, तो वो डोरी का डिमांड करता है। रामलाल बैग्ड फॉर मर्सी एंड इवन प्लेस्ड हिस्टर बन इन बिशंबर्स फीट, बट बिशंबर नाथ डिड नॉट अग्री। अब रामलाल जो है बहुत ज़्यादा बैग करता है कि नहीं ऐसा मत करो, वो अपनी टर्बन यानी कि अपनी पगड़ी भी उसके पैरों में रख देता है, लेकिन बिशंबर नाथ नहीं मानता है। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ओनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। सो रामलाल को वो पैसे देने ही पड़े कि जिससे उसकी घर की इज्जत भी बच जाए और उसकी शादी भी हो जाए, किसकी, भोली की। भोली कुड नॉट बेयर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। पीपल अक्यूज हर ऑफ बींग शेमलेस। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। सो आप भोली से ये सब कुछ बैन नहीं हुआ बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस लालची आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। लोगों ने उसको बेशरम बोला, अक्यूज़ किया, बट वो जो है वेडिंग पार्टी से रिटर्न हो गए। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड, और शादी कैंसिल हो गई और भोली की शादी भी नहीं हुई। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड दैट नाउ नो वन वुड मैरी हर एंड वॉट वुड शी डू इन फ्यूचर। सो उसके फादर जो हैं भोली के, रामलाल, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बोलते हैं कि अब इससे कौन शादी करेगा, अब तो इसकी शादी होगी भी नहीं, तो और ये फ्यूचर में क्या करेगी। टू दिस शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड एंड वुड टीच इन हर स्कूल। हर टीचर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन। तो भोली बोलती है कि मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी जब आप बूढ़े हो जाएंगे, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैं पढ़ रही हूं। तो वहां पर उसकी टीचर भी होती है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि भोली ने अपने लिए इतना अच्छा स्टेप लिया आगे और उसकी लाइफ अब सिक्योर है। ओके,
सो दिस वॉज द चैप्टर बोली. नाउ द लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ. सो बच्चा पार्टी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि नेक्स्ट सेशन में अब हम ग्रामर करेंगे. ओके सो डू नॉट फॉरगेट टू join next session because we will be taking grammar. So now the next chapter and the last chapter, the book that saved the earth. काफी humorous story थी ये. So the story begins with a stage show of 25th century in which a historian is sitting in the museum and she explains the truth about the Martian invasion that happened in 20th century. So ये story पूरी एक story की तरह चल रही है जहाँ पर historian एक museum में बैठ करके सुना रहे हैं लोगों को story और वो historian जो explain करती है सच के बारे में जब Martian कौन Mars के जो लोग थे उन्होंने invasion करा अर्थ के ऊपर 20th century में किस तरीके से वो invasion करना चाहते थे अर्थ का. To prove her statement she asked the audience to look into the historiscope. A device that can show things happened in the history. So ये सब चीज़ें proof करने के लिए वो उसको एक historiscope भी दिखाते हैं जिसमें history की चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं. In the next scene, two characters are shown. One of them, which has a balloon brain, is shown as the master. His name is Think Tank, and another one is assistant Noodle. So अब second scene में दो characters बताए जाते हैं जिनमें से एक मास्टर होता है जिसका नाम होता है थिंक टैंक और दूसरा होता है उसका असिस्टेंट नूडल. बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्लान टू इन्वेड द अर्थ. दे थिंक दैट अर्थ इज अ रेडिकुलस प्लान एंड दे शुड इन्वेड अर्थ सो एज टू एस्टेब्लिश देयर काइंड रूल ओवर द प्लैनेट. सो अब वो क्या करना चाहते थे अर्थ पर इन्वेड करना चाहते थे उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और खुद का रूल वहाँ पर स्थापित करना चाहते थे. सो द मास्टर थिंक टैंक सेंड्स वन ऑफ द हिज क्रू टू इंस्पेक्ट अर्थ. द क्रू लैंड्स इनटू अ लाइब्रेरी एंड लुक कंफ्यूज एज दे नो नथिंग अबाउट द आइटम्स ऑफ द लाइब्रेरी. सो दे कंसल्ट इट विद देयर मास्टर थिंक टैंक एंड दैट दे थिंक इज वेरी इंटेलिजेंट. सो उनको समझ में नहीं आया वो लाइब्रेरी में गए तो कि बुक्स क्या चीज़ होती है तो वो अपने थिंक टैंक मास्टर से कंसल्ट करते हैं और उन्हें लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ही आस्क देम टू शो द आइटम एंड टेल्स देम दैट दे आर सैंडविचेस विच इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ द अर्थलिंग्स. सो अब वो उस बुक्स को देख करके क्या समझते हैं कि वो क्या है. जस्ट अ सेकेंड. बुक्स को देख करके समझ रहे हैं कि वो सैंडविचेस हैं स्टेबल टाइप ऑफ अर्थलिंग एंड ही कमांड्स हिज क्रू टू ईट इट विच दे देन कंसीडर एज अ टेस्टलेस ईटेबल्स. हिज असिस्टेंट नूडल करेक्ट्स हिम एंड टेल्स हिम दैट दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे तो उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं ये तो वो है कम्युनिकेशन डिवाइस है. ही ऑन हेयरिंग दिस आस्क हिज क्रू टू लिसन टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइसेस. They try to hear it, but they get nothing to hear from them. Once again, Noodle corrects his master, Think Tank, that they are to be read and not hear. Okay? So, अब क्या हो रहा था ये अब इसके ऊपर क्रू जो है इंफॉर्मेशन ऐसे सुन रही थी फ्रॉम द डिवाइस. दे ट्राई टू हेयर इट बाय दैट नथिंग टू हेयर फ्रॉम देम लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था. सो नूडल जो है उसके थिंक टैंक मास्टर को करेक्ट करता है कि दे आर टू बी रीड नॉट हेयर. ये सुनने के लिए नहीं है रीड करने के लिए. सो द विद द हेल्प ऑफ द विटामिंस प्रोवाइडेड बाय द केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ मार्स द क्रू ट्राइज टू रीड द बुक. इट वॉज अ बुक ऑफ राइम्स. सो अब उन्होंने ट्राई किया उन बुक्स को पढ़ने का तो वो राइम बुक निकली. ओके और वो राइम बुक में क्या था वो राइम बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ था तो उनको लगा कि अर्थलिंग्स तो क्या क्या कर सकते हैं तो उन्होंने अपना अर्थ को इन्वेट करने का जो उनका प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया. जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया और ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो बच गई. ओके
So this was the chapter. So we have done all literature part of class 10th as a revision. So if you haven't seen any of the chapter or if you have missed any kind of lecture, so you could go at our channel and you can see them. Okay? आप देख सकते हो, यू कैन वॉच देम एंड यू कैन रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ लिटरेचर पार्ट. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टेकिंग ग्रामर पोर्शन. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन. सो दिस बुक इज टोटली मिसअंडरस्टूड बाय द मार्शियंस. द मार्शियंस थॉट दैट अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स. सो दे कैंसल्ड देयर इन्वेशन ऑफ अर्थ एंड वेंट बैक. सो इस तरीके से अर्थ की जो है इन्वेड होने से बच गया था. थिंक दैट टोटली मिसअंडरस्टैंड्स द बुक. फ्रेजेस लाइक शेल, सिल्वर, गार्डन, क्योंकि वो एक राइम बुक थी. एंड गेव हिम अ फॉल्स आइडिया दैट अर्थलिंग्स ग्रू सिल्वर एंड वेपन्स. ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट द अर्थलिंग्स आर वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. सो इस तरीके से वो पूरी अर्थ को इन्वेट करने का जो उनका प्रोग्राम होता है उसको कैंसिल कर देते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ नूडल एंड थिंक टैंक. सो नूडल एंड थिंक टैंक हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. थिंक टैंक लाइक्स टू बी कॉल्ड द ग्रेट एंड द माइटी. मतलब वो ऑलमाइटी यानी कि उनका सरदार था, उनका मास्टर था. ही ऑर्डर्स एंड कमांड्स. ही इज द रूलर ऑफ द मार्स बट हैज नो इंटेलिजेंस. And he thinks books to be sandwiches. He is wrong about everything. He demands that the crew obey him. He likes to pass on others' ideas as his own. He is a coward who simply boasts about his power. और उसका opposite कौन था? Noodle. Apparentice is very clever and wise. उसका assistant. He corrects the mistakes of the ruler, Think Tank, very gently. He never takes credit for his ideas, but he offers them to the ruler very gently. Think Tank makes them as his own. Chalo. Give examples from the text that Bholi was a neglected child. अब आपको भोली चैप्टर से ही बताना है कि वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी. उसकी फैमिली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी. सो भोली वॉज क्वाइट अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम मेनी सिटिंग्स इन द पैसेज. नाउ नो न्यू क्लोथ्स वर मेड फॉर हर एंड शी वॉज ऑलवेज पास्ड ऑन ड्रेसेस ऑफ हर एल्डर सिस्टर्स. उसको हमेशा उसकी बड़ी बहनों के कपड़े पहनने पड़ते थे. कभी उसके लिए न्यू ड्रेसेस नहीं लाई गई. No one cared to bath her and or oil her hair or even wash her clothes. किसी को उसकी कोई परवाह नहीं रहती थी कि वो नहा रही है या नहीं, उसके कपड़े वॉश हो रहे हैं या नहीं, उसके हेयर में ऑयल है या नहीं. Nothing. The neglect was probably due to the fact that she was the youngest in a household of 7 children. It might be that she failed to draw attention and affection of her parents because of her disadvantages looks of her physical setbacks. क्योंकि पॉक मार्क्स थे और वो स्टैमर भी करती थी तो उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता था. वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन. सो रामलाल वॉज मोर वरीड अबाउट भोली बिकॉज शी वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर हेल्दी. ही वॉज वरीड अबाउट हर अगली लुक्स बिकॉज ऑफ द पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग. तो रामलाल हमेशा ये टेंशन में रहता था कि इसकी शादी कैसे होगी. He was worried that no one would come forward to marrying Bholi because of her being weak and ugly. Now extract based question. आपको एक्सट्रैक्ट आता है, पोम से भी आता है और प्रोज से भी आता है. तो देखते हैं इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स दैट मॉडस्ट रैप दैट
They had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume she wished to hurry away. कौन से चैप्टर से है? The necklace से. So what precedes these finds? These lines follows Matilda's success at the ball where she was idolized. Her beauty and elegance was praised by everyone. She wished to hurry away. Why? She, Matilda मतलब, did not wish to shatter the illusion of her grandeur that she had so successfully managed to convey others by putting on a such shabby wrap. So she wished to hurry away to escape the notice of the rich women. So जब पार्टी से वो लोग घर जा रहे थे, बहुत ठंड थी, तो उसने जो है जल्दी जल्दी करा, क्योंकि वो सबके सामने, रिच पीपल के सामने अपना गंदा सा शॉल नहीं ओढ़ना चाहती थी उसके पास, और बहुत ही अच्छा शैबी रैप नहीं था, तो इसीलिए उसने जल्दी जल्दी करा कि जल्दी घर चलो ताकि कोई नोटिस ना कर पाए उसके रैप को. विच वर्ड इज द गिवन एक्सट्रैक्ट सिनोनिम ऑफ नॉट एक्सपेंसिव? तो मॉडेस्ट. एंड ऑपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज अफ्लुएंस. ओके. मैडम फॉरेस्टर प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड. एलुकिडेट. So Madame Forrester turns out to be an interesting character in the story. She plays a very vital role in the story as a friend to Matilda, and we find her to be really genuine as she helps Matilda in the hour of her need. So usne help to kari thi, theek hai. When Madame Lottie needs to borrow jewels, she turns to Madame Forrester. Madame Forrester does not refuse. Usne ek baar bhi nahi socha aur Lozell ko jo hai apni jewel borrow kar di thi. Displaying her generosity, she opens up the entire array of her jewel for Matilda to choose from. Also, she is considerate when Lozell delays the return of the necklace. Surprisingly, at the end of the story, she concludes the entire narrative. So, उसने अपनी सारी ज्वेलरी दिखा दी उसको कि तुम्हें जो भी पसंद आ रही है उसमें से वो ले लो, और देर होने पर भी उसने कुछ नहीं बोला. तो इस तरीके से वो एक अच्छी फ्रेंड थी. Without even a moment's hesitation, she reveals to Matilda that her necklace was just a fake. वरना कोई और होता तो उसको तो मजा आ जाता है कि मुझे तो डायमंड नेकलेस मिल गया, बट उसने बता दिया कि अरे वो तो आर्टिफिशियल था, रियल डायमंड का नहीं था. She is not at all worried in the light of the fact that she may have to return the necklace. It shows her honesty. Rather, she like a true friend. Feels bad for Matilda at her unnecessary suffering. We find her sympathizing with Madame Lozell. She is indeed a gem of a friend. Now, Richard's mother had a great time, great influence on him. Discuss. रिचार्ड मदर प्लेड अ ह्यूज रोल. रिचार्ड की लाइफ में उसकी मदर का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया था रिचार्ड को, मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट. शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स टू एनकरेज लर्निंग. शी वॉज अ सिंगल चाइल्ड. आफ्टर हिज फादर डाइड, हिज मदर मेड हिम द फोकस ऑफ हर लाइफ. शी वुड बाय हिम ऑल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड इक्विपमेंट. एंड आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. This helped Richard to learn a lot. She was his only complaint for a long time. It was his mother who got him the book, The Travels of Monarch X. ये butterfly की species में से एक है. This book opened the world of science for Richard. So mother ने हर step पर Richard को आगे साथ दिया. She also wrote to Dr. Urquhart to guide her son. The scientist helped Richard and guided him. Thus his mother actually shaped him into an extraordinary scientist. Next question. The chapter Bholi highlights the discrimination against the girl child analyst. So nature does not discriminate, but society does. Nature कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है, but society करती है. So from this immemorial, the world has discriminated against the girl child. The chapter Bholi throws up many such instances. Ramlal's songs. This is the Ramlal. Go to school and college. His daughters are not educated but married off. Her mother does not think it necessary to take Bholi's consent for her marriage. The groom is old and lame. Still he demands dowry. Her father is ready to pay him also.
So it is the girl herself who raised her voice against his mismarriage. She is criticized and humiliated for standing up for her dignity, but she is firm and decides the course of her life. So जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में वो नहीं होना चाहिए. भोली ने खुद अपने लिए स्टैंड लिया, वरना उसके पेरेंट्स तो उससे शादी करने के लिए रेडी थे, जो उससे काफ़ी बड़ा था, लेम था और बहुत ही ग्रीडी मैन था. राइट, सो दिस वॉज दिस सेशन गाइज, आई होप यू हैव एन्जॉयड. सो दिस इज द सर ने जैसे आपको बताया, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज आर सेल्फ, क्या कितने गहरे पानी में हो. राइट, और अगर आपको अपना 95% स्कोर पक्का करना है, सो यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ इन पढ़ो इंडिया कोर्स, दैट इज़ फॉर 999 ओनली एंड इन AITS ऑल्सो. ओके, सो कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर, मचाते हैं साथ में. एंड ई सरल है तो सब सरल है. थैंक यू.